मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को केक बहुत अच्छा लगता है, खासतौर बात जब चॉकलेट ब्राउनी केक की हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आज हम बनाएंगे, ओवन में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, आज इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना अपना चॉकलेट ब्राउनी केक। इसके लिए हम कोई भी एक स्क्वायर टिन ले लेंगे इस तरह का, और इसमें जो है हम ग्रीस कर देंगे इसको ऑयल से। सारी तरफ से हमने इसको इस तरह से ग्रीस कर देना है, साइड से भी और सेंटर से भी और कॉर्नर से भी। देख लें कि अच्छे से ग्रीस हो गया। उसके बाद हम लेंगे कोई भी पार्चमेंट पेपर, इस तरह से, इसको बटर पेपर भी कहा जाता है, इसको इस तरह से इसके अंदर लगा देना। इस तरह से हमने बटर पेपर लगा देना है। बटर पेपर आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। इसको भी इस तरह से ग्रीस कर देंगे हर तरफ में। चारों तरफ से ग्रीस करके सेंटर से भी इसको ग्रीस कर देंगे। तो ये हमने टिन जो है अपना रेडी कर लिया, इसको साइड पे कर लेते हैं। अब शुरू करेंगे अपना केक बनाना। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम प्री हीट करेंगे अपने कढ़ाई को, जिसमें हमने केक को बेक करना है। ये हमने एक बड़े साइज की कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई हो कढ़ाई ले लें, पतीला हो पतीला ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे नमक इस तरह से। मैंने पहले ही बेक काफ़ी चीज़ें बेक की हुई हैं, तो ये नमक मेरे पास पड़ा हुआ था, आपके पास हो तो ये रखें, नहीं तो आप कोई भी नमक, नॉर्मल नमक जो हम घर में खाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसको हम गर्म करने के लिए मीडियम फ्लेम में जो है रख देंगे 10 मिनट के लिए, और फिर इसको जो है हम बेक करेंगे, इसको ढककर। अब हम शुरू करते हैं अपना केक का जो बैटर हमने बनाना है वो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे कोई भी एक बोल और इसमें डाल देंगे चॉकलेट। चॉकलेट के पीसेस छोटे छोटे कर लेंगे हम, जो है चॉकलेट की ब्रेक बाजार में आराम से मिल जाती है वो ले लेंगे। डार्क कंपाउंड लेना चाहे डार्क कंपाउंड ले सकते हैं आप, मिल्क कंपाउंड लेना चाहे आप वो ले सकते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं। डार्क कंपाउंड थोड़ा सा जो है स्ट्रांग होता है। तो आप इस तरह से जो है एक कप चॉकलेट ले लें। चॉकलेट को आप इस तरह से बाहर निकाल कर रखते हैं अगर आपने फ्रिज में रखी हुई है, ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा, आसानी से हम इसको मेल्ट कर पाएंगे। तो ये हमने एक कप भरकर चॉकलेट का ले लिया बड़ा वाला। इसके अंदर अब हम डाल लेंगे अपना रिफाइंड ऑयल। कोई भी ऑडरलेस कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं, कनोला, या आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। कनोला ऑयल बहुत ही बढ़िया रहता है इसके लिए। इसमें हम 4 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाल देंगे, छोटे 4 चम्मच दिए हैं मैंने, इस तरह से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दूध। दूध हमने रूम टेम्परेचर पे लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से दूध डाल देंगे और इस तरह से इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे। तो ये आधा कप दूध हमने इसमें डाल दिया है। इसको इसी तरह से इसको थोड़ा सा रहने देंगे, ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट होने लगी है। आप चाहे तो इसको सीधा ही माइक्रोवेव के बोल में डाल सकते हैं, और दूध डालने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें, तो आपकी चॉकलेट जो है वैसे ही इजीली मेल्ट हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं तो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो गई है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसीजर की तरफ। अब हम ले लेंगे एक स्ट्रेनर इस तरह का, और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप चीनी, ये पिसी हुई चीनी है घर में आराम से, पिस जो है मैंने इसको पीस लिया था, तो ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर भी आराम से बाजार में मिल जाता है, तो ये अब हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर। हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर कोको पाउडर के, छोटे चम्मच नहीं है, उसी की मेजरमेंट से जो है हमने सारे मेजरमेंट लेकर डाल लेना है। 1 कप भरकर हमने मैदे का लिया है, वो इसमें डाल देंगे इस तरह से। इसके साथ ही अब हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे 1.5 स्पून। 1 चम्मच हमने डाल दिया, आधा चम्मच हम इसमें और डाल देंगे। ये 1.5 स्पून हमने बेकिंग पाउडर का डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरह से हल्के हल्के छान लेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से हमने छान लेना है, जो भी थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है वो इस तरह से स्पून से इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हमने इसको भी छान लेना है। तो छन गया वो, ठीक है, बाकी हम साइड कर देंगे इस तरह से। इसको हल्का हल्का हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से। हम
उसमें डाल देंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, कुछ बूंदे ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, चार पांच बूंदे हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस की। मिक्स कर लेते हैं इसको दोबारा से एक बार इस तरह से। तो दीजिए ये बैटर हमारा केक का तैयार हो चुका है, मिक्स हमारा। अब हम लेंगे अपना टिन जिसमें हमने इसको डालना है, बनाना है, ग्रीस करके रखा हुआ है, इसको डाल देते हैं इसके अंदर। अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। सारा बैटर इसमें इस तरह से डाल देंगे। तो लीजिए ये तैयार हो गया, आप इसको टैप कर लेंगे इस तरह से और लेवल पे कर लेंगे। लीजिए अब देखते हैं, चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। अब हम बेक करेंगे, इसके लिए हमने कढ़ाई रखी हुई है, आपको मैंने दिखाया था कि नमक डालकर मैंने कढ़ाई को रख दिया गैस पे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से अच्छे से, बहुत अच्छे से हीट हो गई है। इसके ऊपर हम रख देंगे स्टैंड इस तरह से। पहले हम कोई भी एक स्पून ले लेंगे और स्पून की हेल्प से हम इसको लेवल कर लेते हैं इस तरह से। स्टैंड रख देंगे इस तरह से इसके ऊपर। इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपना केक का टिन और इसको ढक देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको इस तरह से ढककर बनाएंगे। लो मीडियम पे हमने जो है इसको बनाना है, इसको इसी तरह से पड़े रहने देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, थोड़ी सी हम डार्क चॉकलेट लेंगे यानी कि आधा कप के करीब। इसमें डालेंगे हम अनसॉल्टेड बटर, ये डाल लेते हैं इसमें अनसॉल्टेड बटर। तो ये तीन चम्मच जो हैं बड़े वाले, मैंने टेबल स्पून इस तरह से बटर के डाल दिए हैं। इसको अब हम माइक्रोवेव करने के लिए रखेंगे जब तक ये हल्का से मेल्ट ना हो जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये मेल्ट हो गया, आप देख सकते हैं 2 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव करा है और हमारा जो एक क्या कहते हैं चॉकलेट है अच्छे से मेल्ट हो गई। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है इसका। अच्छे से इसको मेल्ट करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो लीजिए आप देख सकते हैं अच्छे से ये मेल्ट हो चुकी है। इसको थोड़ा साइड पर रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो चेक कर लेंगे इसको। लीजिए केक हमारा बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं बनकर तैयार हो गया है। अच्छे से इस तरह से टच करें तो केक हमारा बन चुका है, अच्छे से फूल भी गया, देख सकते हैं बहुत बढ़िया। इसको बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसको निकाल लेंगे इस तरह से, बटर पेपर को निकालेंगे। पेपर हम इस तरह से अपना निकाल लेंगे, बटर पेपर को निकाल लेते हैं। ये जी केक हमारा बहुत ही बढ़िया रेडी हो गया। ये जो हमने डोनाश बनाई है ये हमारी ठंडी हो चुकी है, इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो पहले स्प्रेड कर दें इस तरह से, फोक लेकर इस तरह से आप प्रिक भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके सॉस जो है सारी अंदर तक चली जाएगी। हल्का हल्का इस तरह से प्रिक कर दें। स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रहा है हमारा केक। आप चाहे तो इसको साइड पर भी लगा सकते हैं। इसको अब हम गार्निश कर देंगे वॉलनट्स के साथ, बादाम के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये केक हमारा रेडी हो गया, मैं आपको कट करके इसमें दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट केक हमारा बना है, ये देखिए मैं कट कर रही हूँ, आपको पता लग ही रहा होगा देख के कि हमारा केक जो है कितना सॉफ्ट बना है। एक पीस आपको निकाल कर दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी सॉफ्ट केक बना है। तो आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जो मेरी रोज़ वीडियो 12 बजे डलती है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।